कानपुर में संविदा और ठेकेदारी कर्मियों को नियमित करने की मांग को लेकर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया। कानपुर नगर निगम मुख्यालय में सभी कर्मचारी एकजुट होकर नारेबाजी करते रहे। उनका कहना था कि नियमितीकरण की मांग काफी समय से की जा रही है, लेकिन इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। मामले में पप्पू सोनकर ने बताया कि सफाई कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए धरना प्रदर्शन किया गया है। उनका कहना था कि सफाई कर्मचारियों को का वेतन जो है वो बढ़ाया जाए। इसके साथ ही महिला सफाई कर्मियों के समय में जो परिवर्तन किया गया है उसको वापस लिया जाए। कर्मियों ने नगर आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर उनके समक्ष अपनी मांगों को रखा। नगर निगम परिसर में नगर निगम कर्मचारी सफाई कर्मचारियों के मध्य में आज हम लोग ने धरना प्रदर्शन किया है उनकी मांगों को लेकर कि जैसे कि उनके वेतन को बढ़ाने की बात है और महिलाओं को जो सुबह 5 बजे की ड्यूटी का आदेश हुआ था उसको लेकर नगर आयुक्त जी को ज्ञापन दिया गया है और उनसे ये आशा जताई गई है कि महिलाओं के समय के लिए जो है संशोधन कर उन्हें 8 बजे की ड्यूटी का जो है कि निर्देश किया जाए और कर्मचारी जो है जिनके जैसे कि रिटायरमेंट के पश्चात जो है कि उनको उनकी जो बकाया धनराशि होती है ना वह तत्काल नहीं मिलती, पहले मिलती थी, आज नहीं मिलती, उसको लेकर जो है कि बात अपनी रखी गई। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @jmdnews/